सब्सक्राइब कीजिए नुमान टेक्नोलॉजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल स्क्रीन पर देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम नुमान तैर और आप देख रहे हैं नुमान टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों फुल कंपैरिजन दोस्तों हम करेंगे सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G का और दोस्तों हमारे पास दूसरी तरफ है रियलमी का GT मास्टर एडिशन। ये तो दोस्तों डिवाइसेज है ना, इनके अंदर तो स्पेसिफिकेशन निकल कर आती है वो तकरीबन सेम ही निकल कर आती है और प्राइजेस का भी जो है वो तकरीबन ज़्यादा डिफरेंस जो है वो निकल कर नहीं आता। तो आज की वीडियो में दोस्तों इन दोनों फ़ोन का करेंगे कंपैरिजन। अगर आप इन दोनों फ़ोन में से कोई एक फ़ोन बाय करना चाहते हैं और आप कन्फ्यूज़ है कि आपको कौन सा फ़ोन जो है वो लेना चाहिए, तो ये वीडियो जो है दोस्तों ये आपके काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर दोस्तों अपनी ओपिनियन दूंगा कि अगर मैं आपकी जगह होता तो मुझे कौन सा मोबाइल फ़ोन जो है मैं लेना पसंद करता। तो वीडियो को मेक श्योर एंड तक देखिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी दबा दिया करें ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन जहाँ सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए यार वीडियो को शुरू करते हैं। ओके भाई, अगर आप सबसे पहले दोस्तों अगर बात करोगे दोस्तों इस मोबाइल फ़ोन के बिल्ड और डिज़ाइन को लेके दोस्तों, तो इस दोनों ही मोबाइलों के अंदर दोस्तों हमें सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G और रियलमी GT मास्टर एडिशन के अंदर दोस्तों हमें बिल्ड क्वालिटी भाई ये दोनों मोबाइल फ़ोन जो काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल कर आते हैं। लेकिन दोस्तों इसके अंदर जो हमें जो बैक साइड पर दोस्तों हमें देखने को मिलता है वो दोनों फ़ोन के अंदर दोस्तों हमें कुछ प्लास्टिक फ्रेम और प्लास्टिक बैक हमें देखने को मिल जाता है इन दोनों ही मॉडल्स के अंदर। अब हालांकि इसकी जो प्राइस है दोस्तों उसके हिसाब से दोनों ही फ़ोन्स को चाहिए था कि हमें ग्लास बैक जो है प्रोवाइड करते हैं, लेकिन बहरहाल दोस्तों हमें यहाँ पर प्लास्टिक फ्रेम यानी प्लास्टिक की जो बिल्ड क्वालिटी होती है वो हमें दोनों फ़ोन के अंदर देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम इन दोनों फ़ोन को जो है बुरा नहीं बोल सकते क्योंकि दोनों फ़ोन की जो बिल्ड क्वालिटी वो तकरीबन सेम ही निकल कर आती है। लेकिन अगर आपसे बात करूँ दोस्तों मैं अपने ओपिनियन की, तो मुझे रियलमी GT मास्टर एडिशन की जो बिल्ड क्वालिटी को जो डिज़ाइन है ना दोस्तों वो मुझे ज़्यादा खूबसूरत लगा एज़ कम्पेयर टू सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G की नस्बत, क्योंकि उसके अंदर जो हमें बैक साइड पर कुछ पैटर्न स्टाइल हमें देखने को मिल जाता है वो देखने के अंदर काफ़ी ज़्यादा प्यारा जो है वो आपको लगता है देखने के अंदर, वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो इन हैंड फील भी जो है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा प्यारी लगती है। उसके बाद दोस्तों अगर फ्रंट साइड के ऊपर आ जाए दोस्तों, तो सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G के अंदर दोस्तों हमें कुछ 6.5 इंचीज़ का एक हमें सुपर एमोलेड पैनल हमें देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों 120 हर्ट्ज़ वाला पैनल है। और ये एक अच्छी बात है कि इसके अंदर हमें 120 हर्ट्ज़ वाला सैमसंग की तरफ से इस प्राइस कैटेगरी के अंदर अभी हमें ये मोबाइल फ़ोन देखने को मिलता है। प्लस दोस्तों अगर आपसे रियलमी GT मास्टर एडिशन को लेकर बात करूँ दोस्तों, तो रियलमी GT मास्टर एडिशन के अंदर हमें कुछ 6.43 इंचज का एक सुपर एमोलेड पैनल और ये भी दोस्तों 120 हर्ट्ज़ वाला कहले के सुपर एमोलेड पैनल है। तो दोस्तों डिस्प्ले वाइज ये दोनों फोन जो है वो तकरीबन सेम निकल कर आने वाले, लेकिन डिस्प्ले की जो ब्राइटनेस है वो यहाँ पे आपको रियलमी GT मास्टर एडिशन के अंदर आपको कुछ थोड़ी सी ज़्यादा आपको तेज़ देखने को मिल जाएगी एज़ कम्पेयर टू सैमसंग के डिस्प्ले की, क्योंकि जो सैमसंग का डिस्प्ले है उसकी ब्राइटनेस हमें कुछ 800 निट्स की देखने को मिलती है, जबकि रियलमी GT मास्टर एडिशन की जो ब्राइटनेस है वो हमें कुछ 1000 निट्स की ब्राइटनेस हमें देखने को मिल जाती है पीक की। और दोस्तों अगर आपसे बात करूँ इन दोनों ही फोन के कैमरा साइड को लेकर दोस्तों, तो बैक साइड पर सैमसंग वाले गैलेक्सी A52s 5G के अंदर दोस्तों हमें कुछ क्वाड कैमरा सेटअप हमें देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों मेन कैमरा को 64 मेगापिक्सल के साथ में दोस्तों 12 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का माइक्रो और 5 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर कैमरा आपको देखने को मिल जाता है। जबकि दोस्तों अगर आपसे बात करूँ रियलमी GT मास्टर एडिशन को लेकर दोस्तों, तो इसके अंदर हमें बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिल जाता है, जो कि मेन कैमरा को 64 मेगापिक्सल का, 8 मेगापिक्सल का आपको एक अल्ट्रा वाइड कैमरा साथ में और एक 2 मेगापिक्सल का आपको एक डेप्थ सेंसर कैमरा इसके अंदर देखने को मिल जाता है। तो जो मैक्रो कैमरा दोस्तों वो कुछ इतना ज़्यादा कह लें कि आप ये नहीं कह सकते कि यार काफ़ी ज़्यादा एक ऑप्शन है, लेकिन एक कैमरा हमें कम देखने को मिलता है। फ्रंट साइड के ऊपर आते हैं दोस्तों, तो फ्रंट साइड के ऊपर दोनों ही फोन्स के अंदर हमें कुछ 32 मेगापिक्सल का सिंगल कैमरा हमें देखने को मिल जाता है और कैमरा की जो परफॉर्मेंस है ना दोस्तों वो सैमसंग के फ़ोन की भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और रियलमी के फ़ोन के जो कैमराज है वो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे निकल कर आते ही हैं। उसके अलावा दोस्तों अगर आपसे बात करूँ रैम रोम के वेरिएंट को लेके, तो दोनों फोन के अंदर दोस्तों हमें कुछ 8 GB और 128 GB का रैम रोम का वेरिएंट हमें देखने को मिल जाता है और प्लस ये जो रैम है ये LPDDR4 की रैम है और UFS का स्टोरेज हमें देखने को मिल जाता है दोनों फोन के अंदर। तो ये एक अच्छी बात है कि सेम रैम रोम का जो कम्बिनेशन है वो दोनों फोन के अंदर हमें देखने को मिल जाता है। अगर आप प्रोसेसर के ऊपर आते हैं दोस्तों, तो दोनों ही फोन के अंदर दोस्तों हमें जो प्रोसेसर देखने को मिलता है वो हमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778 का एक 5G प्रोसेसर हमें देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों एक 7 नैनोमीटर बेस एक ऑक्टाकोर प्रोसेसर है और उसकी जो परफॉर्मेंस वो काफी ज्यादा अच्छी है। तो प्रोसेसर वाइज भी दोनों फोन्स के अंदर दोस्तों बिल्कुल सेम है। GPU के ऊपर आ जाए दोस्तों, तो दोनों फोन के अंदर हमें कुछ एडिनो का 642L का GPU जो है वो हमें देखने को मिल जाता है दोनों फोन के अंदर। तो यहाँ पे दोस्तों रैम रोम का वेरिएंट और जो प्रोसेसर है ना वो दोनों ही फोन का हमें सेम देखने को मिल जाता है। अगर दोस्तों आप बैटरी के ऊपर आ जाए दोस्तों, तो सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G के अंदर हमें कुछ 4500 mAh की एक बैटरी हमें देखने को मिल जाती है
जबकि दोस्तों Realme GT Master Edition के अंदर हमें कुछ 4300 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, यानी कि 200 mAh की बैटरी जो है वो यहाँ पे कम रखी गई है। लेकिन दोस्तों अगर आप बात करें चार्जिंग डिपार्टमेंट के ऊपर, तो टाइप सी की कनेक्टिविटी दोनों फोन के अंदर हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन दोस्तों जो सैमसंग गलेक्सी A52s 5G है ना, उसके अंदर दोस्तों हमें 15 वाट का हमें जो सैमसंग का रेगुलर अडॉप्टर होता है वही हमें देखने को मिलता है, जबकि दोस्तों Realme GT Master Edition के अंदर हमें कुछ 65 वाट की फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिल जाता है, जो कि दोस्तों आपका मोबाइल जो है वो बहुत जल्दी जो है चार्ज कर देगा। तो यहाँ पे जो है वो Realme GT Master Edition जो है वो एक नंबर जो है वो ज़्यादा ले जाता है। अगर बात करूँ दोस्तों इन दोनों मोबाइल फ़ोन की प्राइजेस को लेके दोस्तों, तो जो सैमसंग गलेक्सी A52s 5G है दोस्तों, उसकी प्राइस जो है वो तकरीबन 72,000 रुपये कर दी गई है, और ऑफलाइन मार्केट के अंदर अगर आप लेंगे तो ये डिवाइस आपको कुछ 66-67 के राउंड अबाउट आपको देखने को मिलेगी। और अगर आप Realme GT Master Edition के ऊपर जाते हैं दोस्तों, तो इसकी जो ऑफिशियल प्राइस है वो 67,000 है, लेकिन आप ऑफलाइन मार्केट से जाकर परचेज करेंगे तो 62-63 तक की डिवाइस आपको ऑफलाइन मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। तो प्राइस का दोस्तों ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन अगर मैं अपने फाइनल कंक्लूजन के ऊपर जाऊँ, अपने फाइनल ओपिनियन के ऊपर जाऊँ ना दोस्तों, तो मैं डेफिनेट Realme GT Master Edition को जो है वो लेना प्रेफर करूंगा, क्योंकि इसके अंदर हमें फास्ट चार्जिंग हमें देखने को मिल रही है। उसके अलावा दोस्तों कुछ फीचर जो है वो एज कम्पेयर टू सैमसंग गलेक्सी A52s की नस्बत जो है वो थोड़े से ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं, और प्राइस में भी जो है वो कम है। तो यार जब आपको प्राइस कम मिल रही है, तो आप डेफिनेटली वो ऑप्शन के ऊपर जाए जिसमें आपके पैसे भी बच रहे हैं और आपको चीज़ भी पूरी मिल रही है। तो मैं डेफिनेटली आपको रिकमेंड करूँगा कि यार आप डेफिनेटली Realme GT Master Edition जो है वो जाके परचेज करें। सैमसंग गलेक्सी A52s 5G अभी भी जो है वो मेरे हिसाब से दोस्तों एक महंगी डिवाइस है, और इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी सी और जो है वो कम होनी चाहिए। तो यार बस उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यार वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को लाजमी दबा दिया करें, ताकि इस तरह की मेरी जो भी नई वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। यार मैं मिलूंगा आपसे इंशाल्लाह ताला अगले आने वाली वीडियो में। अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। आपको दोस्त मानता है, अल्लाह हाफिज़।